कुछ एक ऐसी मेंटेलिटी होती है हमारी, वो बोलते हैं पहले फौजी तो मरने के लिए ही होते हैं, भाई ये हमारी सोच एकदम गलत है। इसके ऊपर मैं ये कहता हूं, वैसे मेरे को मन से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये ऐसी बातें जो आती है उसमें गुस्सा आता है थोड़ा सा, लेकिन हम नहीं ये चीज कहेंगे। भाई अगर किसी के बच्चे को, मेरे बच्चे को लगाऊंगा दूसरे के ऊपर ले जाऊंगा, अगर कोई लाख दो लाख रुपए दे और उसको कह दे आगे से गोली आ गया तुम यहाँ खड़ा रहो, क्या वो खड़ा रह जाएगा? हमारे शहीद के परिवारों को ये बातें बोली हैं, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ में कह सकता हूँ इस बात को, मैं अपनी पूरी जदाद उसके नाम करवाता हूँ अगर वो एक बॉर्डर के ऊपर अपने बच्चे को खड़ा करके गोलियों के सामने आ जाए तो, मैं अपनी पूरी जदाद उसके नाम करवाने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम औलदार जगजीत सिंह जी, प्रधान पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल। आपने स्टेज पे एक बात कही थी कि सैनिक मरने के लिए, तो क्या पूरी बात थी? ये तो अपनी अपनी सोच होती है, मेंटेलिटी होती है अपनी। किसी शहीद परिवार को किसी ने कटाक्ष किया था, भाई बोला फौजी तो मरने के लिए होता है, क्या हो गया बोला मर गया तो शहीद क्या जरूरी है, तो उस चीज़ का देखो दुख आता है सर, वो अपने देश के लिए गया है, इसीलिए मुझे भी ये दुख आया। मैंने भी ये कहा अपनी तरफ से, भाई मैं उसको अपनी पूरी जायदाद जो भी है मेरी, मैं उसके नाम करवाता हूँ, अपने बच्चे को वहाँ बॉर्डर के ऊपर खड़ा करके वो करते। तो देखो सर ये गलत है, एक क्या कहूँ उस आदमी के लिए, क्या शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता, तो बस ठीक है यहीं पर ठीक है, उसको अगर नसीब इंसानियत होगी तो वहीं पर समझ जाएगा वो जी। क्या नाम और पता है आपका? मेरा नाम है कैप्टन नरसिंह डोल, गाँव शेरदाया सेटल में कैथल में हूँ, और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। 1982 में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, तब मैं सर्विस टीम कैप्टन था जी। तो मेरी जिंदगी आर्मी में, और आपको ये जानकर इतनी खुशी होगी कि हम चार भाई चारों फौज में थे, चारों ने देश की सेवा करी, और हम 14 सदस्य फौज में रहे अपने परिवार के, कुछ यहाँ पर आए कुछ बॉर्डर पर। आज का कार्यक्रम था हमारे शहीद हुए, मेरे नाम राशि इंदर सिंह जी और दूसरे भाई जिले सिंह जी, तो हमारी समिति प्रधान औलदार जगजीत सिंह ने एक अभियान चलाया था जिसने हम सब ने कंधे कंधे मिलाकर साथ दिया, और हमने पूरे ज़िले में जितने भी शहीद हुए 1962 लेकर के और कारगिल तक, चाहे 65-71 कारगिल, उन सब के नाम स्कूलों पर इसलिए लिखवाए ताकि आने वाली पीढ़ी उनको पढ़े, उनको सलाम करे, और गांव को यह पता रहे कि हमारे यहाँ गांव का कौन शहीद हुआ है। शहीद होना कोई छोटे बात नहीं होती, सबसे बड़ा बलिदान होता है, क्योंकि मेडल तो आते जाते रहते हैं, मेडल तो इस बार नहीं आया तो अगली बार आ जाएगा, लेकिन शहीद एक बार ही होता है, और वो शहीद भगवान उनको अपने चरणों में ले लेता है। जो जन्म मरण का झंझट है समाज का, उससे उनको मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उनको अमर कहा जाता है जी। मतलब सेना में जो युवा भर्ती होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जोश रहता है कि हम जल्दी जल्दी सेवा में भर्ती और देश सेवा करें। हाँ हाँ बिल्कुल, जय जवान जय किसान का तो रहा है, और ख़ासकर हमारे देहात इलाके में तो हर बच्चे के दिमाग में रहता है कि मैं सैनिक बनूं। विधायक जी क्योंड़क पहुंचे हो, और जो मैं शहीद है नरसिंह जी उसकी प्रतिमा का आपने यहाँ प्रतिमा लगाई, क्या कुछ हुआ? ये तो मेरा आज अपना सौभाग्य है, जिस स्कूल से मैंने 10वीं कक्षा पास की, आज उसी के प्रांगण में हमारे गांव की कहूँगा कि जो शहीद हुए इस देश की रक्षा करते हुए 1971 के युद्ध में, शहीद नरसिंह जी उनकी प्रतिमा का अनावरण का मेरे को मौका मिला। आज सारा गांव, क्योड़क बड़ा गांव है, सारा गांव आज हाजिर था, और उनकी हाजिरी में ही हमने उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का काम किया गया, और मैं अपने जीवन का आज ये सबसे बड़ी क्षण मानता हूं कि एक शहीद जिसने देश की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति दी, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मौका मिला जी। तो क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से दोगे, जैसे मतलब सैनिक हर समय देश की सेवा के लिए तैयार रहते हैं और शहीद भी? मैं तो यहाँ जब मैं बोल रहा था 2 मिनट के लिए, तब भी मैंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र के 36 बरादरी के युवाओं में हर समय इस बात का तो जज्बा रहता है, जब वो 18 साल क्रॉस करते हैं ना, उनको एक
सबसे पहली सोच ये होता है कि मैं फौज में भर्ती हूँ, उनमें से मैं भी एक हूँ, मेरा भी मन था कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊँ, परंतु चाहे कोई भी वजह रही नहीं हुआ और देश की इस तरह की सेवा नहीं कर सका। तो जो फौज में भर्ती होते हैं वो तो देश के जो शहीद हो गया, मैं कहता हूँ वो तो जन्म जन्म तक अमर हो गया, उनकी तो जितने भी शब्दों में तारीफ करने के लिए उनके तो शब्द ही नहीं होते। परंतु मैं युवाओं को ये ज़रूर कहूँगा कि आपने समय समय पर जब आपके दिन आए तो फौज में भर्ती होकर के देश की रक्षा करनी चाहिए जी। और भी जो शहीद हुए हैं उनके नाम भी आपने लिए थे कि क्योड़क में सबकी जो प्रतिमा बनवाने का काम करेंगे, तो कितने हाँ आज गांव के मैंने बल्कि उनका पता नहीं था और उनका गांव के बहन भाइयों ने बताया कि उनकी तो बॉडी भी नहीं मिली थी, परंतु वो 1962 की लड़ाई में शहीद हो गए थे, शहीद जिले सिंह जी। आज हमने मिलकर ये फैसला किया गांव के साथ और जगजीत जी जो कैथल जिला के प्रधान हैं फौजी, इनकी सभा के उनके साथ बैठकर ये हुआ कि कैथल जिले में 6 और शहीद हैं जी, उनके भी स्टैचू लगाने का काम करेंगे। और क्या घोषणा की गई है? नहीं आज कोई घोषणा तो नहीं की गई। हाँ यहाँ गांव के भाइयों ने कहा, राजपाल जो पूर्व चेयरमैन रहे उन्होंने मांग रखी थी गांव की तरफ से कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जाए, और हमने भी उनका समर्थन करते हुए कहा कि कहीं अच्छी जगह ज़मीन देख लें तो पैसे की कमी से स्मारक नहीं रहने दिया जाएगा, गांव में एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा। और उसमें मेरी एक सोच है कि जो गांव के साथी शहीद तो हो गए अलग है, परंतु क्योड़ इस प्रकार का गांव है, मेरे को लगता कोई एक भी घर और किसी भी बिरादरी का अछूता होगा जिस घर में से कोई फौजी फौज में जा कर के देश की सेवा नहीं करके आया, इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है। उस पर हमारी सोच है उन सभी फौजियों के नाम भी लिखवाए जाएँ। ये तो आपने भी देखा होगा, मैं हर बार विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मांग रखता हूँ आदरणीय अध्यक्ष जी के द्वारा, तो आज भी गांव वाले कहने लगे भाई ये भी बात कहो, मैं हर बार विधानसभा के पटल पर रखता हूँ इस बात को और सरकार आश्वासन भी देती है कि देखेंगे बनाएंगे। आज भी मैंने गांव को आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री जी के पहल पर कि यहाँ पर भी बनाया जाए, जिस प्रकार से आपने दोंगड़ा में सीमा में घोषणा की है तो क्योड़क को भी सब तहसील बनाया जाए।